भैया इला कैसे कैसे करता है इला करके दिखावे का। हाँ भैया इसपे पंप लेथन वो मछान दो हम। ठीक है भैया। अच्छा भैया तो एक स्पेयर पंप में कितना मटका खाद दे थस भैया? एक स्पेयर पंप में भैया 3 लीटर हम लेथन मटका की खाद। ठीक है भैया। अच्छा भैया ता या मटका खाद में पानी भी लेथस की मटका खाद बस? हाँ भैया पानी रथ है 12 लीटर पानी रथ है और मटका के खाद 3 लीटर रथ है तेला मिला था। ठीक है भैया। अच्छा भैया 3 लीटर मटका खाद ले था और 12 लीटर पानी ले था ता एक स्पेयर पंप में 15 लीटर होता हाँ, है ना हाँ, ता कितना डिसमिल में तय सिंचाई कर था भैया? 3 डिसमिल जमीन के नीचा पर्याप्त रूप में है जाता है अपना खाद। ठीक है भैया। इला कैसे छींचते हैं भैया सींच के बतावे का? हाँ भैया ये मटका की खाद भैया हम 3 लीटर एमा डालते हैं छान के। भैया एमा हम 12 लीटर पानी मिलाबो। ठीक है भैया। एक भैया हाँ। या दुई तीन ये चार या दस या ग्यारह और या 12 भैया। ठीक है भैया। या 15 लीटर खाद भैया पूरो पैक है गया। ठीक है भैया। भैया हम यह स्प्रे पंप से या पत्ती में अच्छा तरह से ला भिगो देता है भैया। अपना चीज रहे कि एक पेड़ के जड़ आजू बाजू तक एक जो है अच्छा सिद्ध जाए। भैया इसको कब डालते हैं भैया? भैया पौधा जब छोट रहता है तो सुबह शाम जो है ला चीज था। अच्छा भैया तो इसको शाम सुबह ही डालते हैं कि दोपहर में भी डालते हैं? दोपहर में भी डालते हैं भैया। रोपाई के 50 दिन बाद जो एमा एक बार फल तोड़ने के बाद अच्छा एमा दोपहर के छींच सकते हैं हम। तो भैया ये मटका खाद को कितने दिन में डालते हैं? 8 से 10 दिन के अंतराल में छींच हम भैया। मटका खाद का छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल में करना चाहिए। छिड़काव करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि पौधों का हर भाग भीग जाए। पहली तुड़ाई से पहले जब पौधे छोटे होते हैं तब मटका खाद का प्रयोग सुबह शाम करना चाहिए।